Hello everyone, welcome in the official YouTube channel of JS Central. आज का वीडियो इंडियन पॉलिटी से संबंधित है और इस वीडियो में हम लोग प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. अगर अभी तक आप लोगों ने JS Central के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितने जल्दी हो इसको सब्सक्राइब कर लें. आगे अभी कई वीडियोज आने वाले हैं तो इनका अपडेट लगातार आपको मिलता रहेगा. आइए हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठी करते हैं. सबसे पहले आप ये जानिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देशिका प्रस्ताव पर आधारित है. इस प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में शामिल किया गया था जिसका बाद में कई देशों ने अनुकरण किया और अपने संविधान में इसको स्थान दिया, जगह दी. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था और यह प्रस्ताव अगले वर्ष 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा से पूर्ण बहुमत से पारित हुआ. संविधान विशेषज्ञ मिस्टर एन पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र भी कहा है. ये बात याद रखने वाली है, इसे जरूर याद रखें. आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा संविधान की प्रस्तावना यहां पर दी गई है, इसको एक बार रीड कर लिया जाए तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं. विशेष बात यह है कि प्रस्तावना में लिखा हर एक शब्द अपना एक विशेष अर्थ रखता है. प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है. कुंजी इसलिए कि संविधान सभा संविधान का जो रूप वो अपने मस्तिष्क में देख रही थी, अपने विचारों में देख रही थी, उसका एक समराइजेशन करके, उसका समरी सारांश एक प्रकार से प्रस्तावना है. इसी का इंग्लिश वर्जन भी अगर आप देखें तो वी द People of India have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये उसका English version है. हमें इस वीडियो में ये जानना है कि प्रियम्बल में जो भी सारे वर्ड्स लिखे गए हैं उनका उद्देश्य क्या है, उनको क्यों लिखा गया है और उनका मतलब क्या है. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रस्तावना के मुख्यतः चार कंपोनेंट हैं. चार कंपोनेंट क्या क्या हैं? तो नंबर एक में है कि यह बताता है या ईश्वर इशारा करता है कि भारत जो देश है इसमें शक्ति का स्रोत क्या है. तो देश की जनता, मतलब भारत के लोग ही यहाँ शक्ति के स्रोत हैं. यह भारत को एक भारत एक कैसा देश है यह भी बताता है. तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य है यह. उद्देशिका यह भी बताती है कि हमने अपने संविधान के अनुसार अपने देश के नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसी विचारों को स्थान दिया है और अब हमारे संविधान के अनुसार हमने देश की एकता और अखंडता को भी अक्षुण्ण रखने की कसम खाई है. प्रियम्बल या उद्देशिका यह भी बताता है, वह डेट को इसमें मेंशन किया गया है, बताया गया है कि 26 नवंबर 1949 को के दिन हमने संविधान को पूरा किया और एक तरह से अपनाया. आइए अब आगे देखते हैं इसमें जो शब्द लिखे गए हैं उनका मतलब क्या है. तो प्रस्तावना के मूल शब्दों की व्याख्या. तो
तो जैसे पहला शब्द है संप्रभुता। संप्रभुता का तात्पर्य यह है कि हम किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, या भारत जो देश है, भारत की सरकार है, वो पूर्ण रूप से मुक्त है, स्वतंत्र है अपने आंतरिक और विदेशी सभी फैसलों को लेने के लिए। अगला शब्द अगर समाजवादी मतलब सोशलिस्ट को देखा जाए, तो समाजवाद जो है, समाजवाद का अर्थ है कि जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र कंधे से कंधा मिलाकर अपना सफर तय करते हैं। अच्छा, भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य ही है गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना। हालांकि समाजवादी शब्द संविधान के 1976 में हुए 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। एक अगला शब्द है सेक्युलर या पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान के वही 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है उसके द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी पंथों के धर्म के लोगों को रहने, आजादी पूर्वक रहने और जीने की आजादी है, स्वतंत्रता है। सरकार का अपना कोई पंथ या धर्म जो है वो नहीं है। संविधान का भाग 3 में अनुच्छेद 25 से 28 एक मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करता है। एक अगला शब्द है डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक शब्द का मतलब है कि संविधान जो है वो लोकतंत्र के विचार का पालन करता है। लोकतंत्र मतलब यहाँ चुनी हुई सरकार है, एक निर्वाचित सरकार है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है। प्रस्तावना इस बात की पुष्टि भी करता है कि भारत एक लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसका अर्थ है कि यहाँ पर सत्ता जो है देश की जनता के हाथ में है। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रस्तावना के रूप में किया गया है। सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधि, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, एक वोट एक मूल्य, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि जो है भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। एक अगला ही ऐसा ही महत्वपूर्ण शब्द है गणराज्य, जिसे इंग्लिश में रिपब्लिक कहा जाता है। गणराज्य अथवा गणतंत्र का मतलब यह है कि देश का एक जो है सुप्रीम व्यक्ति होगा, और जो सुप्रीम व्यक्ति होगा, जो भारत में राष्ट्रपति का पद है, वह जनता के द्वारा निर्वाचित होगा। गणराज्य का अगर सही में तात्पर्य यह समझा जाए तो गणराज्य जो है वो राजतंत्र का उल्टा है। राजतंत्र में क्या है कि राजा जो है अपने खानदान या अपने वंश के आधार पर देश का या राष्ट्र का सर्वोच्च पद हासिल करता है, जबकि गणराज्य में देश का सर्वोच्च पद जो है, अगर इंडिया का उदाहरण ले लिया जाए, तो जो राष्ट्रपति का पद है वह इलेक्टेड है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को लोगों के द्वारा परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, जिसका अर्थ संसद और राज्य विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से है। इसके अलावा एक गणतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता जो है वो राजा की जगह लोगों के हाथ में निहित होती है। एक और काफी महत्वपूर्ण शब्द है न्याय, जस्टिस। प्रस्तावना में न्याय शब्द को 3 अलग अलग रूपों में समाविष्ट किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, जिन्हें मौलिक और नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से हासिल किया गया है। सामाजिक न्याय का अर्थ है संविधान द्वारा बराबर सामाजिक स्थिति के आधार पर एक अधिक न्याय संगत समाज की स्थापना। आर्थिक न्याय का तात्पर्य यह है कि समाज के अलग अलग सदस्यों के बीच संपत्ति का जो वितरण है वो एक समान वितरण हो, जिसे संपत्ति जो है वो कुछ खास हाथों में संकेंद्रित ना हो। व्यक्ति को योग्यता के अनुसार उसे काम मिले और वो संपत्ति इकट्ठी कर सकता है। राजनीतिक न्याय का तात्पर्य जो है वो दो अर्थों में है। एक अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति, अगर वह देश का नागरिक है और 18 वर्ष का हो गया है, तो उसे वोट करने का अधिकार है, मताधिकार है। और दूसरा यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर देश का नागरिक है तो वह यहाँ के चुनाव में खड़ा हो सकता है, चुनाव लड़ने की आजादी है, अगर उसकी जो योग्यताएं हैं उसको फुलफिल करता। एक अन्य शब्द है स्वतंत्रता या लिबर्टी।
स्वतंत्रता का तात्पर्य एक व्यक्ति जो मजबूरी के अभाव में या गतिविधि के वर्चस्व के कारण तानाशाही, गुलामी, चाकरी, कारावास, तानाशाही इत्यादि से मुक्त या स्वतंत्र कराना है। वैसा ही एक वर्ड है फ्रटर्निटी, भाईचारे का अर्थ या बंधुत्व की भावना से है। संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच जो है फ्रटर्निटी को एंकरेज करती है। समानता का तात्पर्य है कि समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार या भेदभाव को समाप्त करना। संविधान की प्रस्तावना देश के सभी लोगों के लिए स्थिति और अवसरों की समानता प्रदान करती है। संविधान देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता स्थापित करने का हमेशा प्रयास करता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं, आइए देखते हैं इसके बारे में। तो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ उसके अनुसार प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार प्रस्तावना में तीन नए शब्दों को शामिल किया गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को वैध भी ठहराया। अपनी व्याख्या में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में प्रस्तावना को तब जोड़ा गया था जब बाकी संविधान पहले ही लागू हो चुका था। अच्छा, बेरू बारी यूनियन के मामले में जो 1960 का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। हालांकि यह स्वीकार किया गया कि यदि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में एक शब्द अस्पष्ट है या उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं तो प्रस्तावना को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। परंतु आगामी वर्षों में 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के दिए गए फैसले की समीक्षा करते हुए फैसले को पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। यहां आप यह जान लें कि संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन से संबंधित है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अर्थात प्रस्तावना में संशोधन तो संभव है, मगर प्रस्तावना का जो ओरिजिनल ढांचा है, थीम है, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। एक बार फिर LIC के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रकार स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना खूबसूरत शब्दों की भूमिका से ओतप्रोत है, बनी हुई है। इसमें बुनियादी आदर्श, उद्देश्य और दार्शनिक भारत के संविधान की अवधारणा शामिल है। ये संवैधानिक प्रावधानों के लिए तर्कसंगतता एवं निष्पक्षता प्रदान करते हैं। प्रस्तावना के संबंध में ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आप हमसे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिंक स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, उस पर फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।